नमस्कार, राधा की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम आपको बेसन ड्राई फ्रूट लड्डू बनाना सिखाएंगे। इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करिए, यह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू बनाने के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई में डाल देंगे लगभग 200 ग्राम देसी घी, क्योंकि बेसन हमारा आधा केजी है, तो हम 200 ग्राम के करीब इसमें घी डाल देंगे और घी को गर्म होने देंगे। अब घी गर्म हो गया है, उसमें डाल देंगे हम काजू और बादाम। काजू और बादाम को बिल्कुल बारीक काट लिया है, इसी में डालकर उसको भून लेंगे थोड़ी देर। काजू और बादाम अच्छे से भून गया है, अब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से काजू और बादाम को निकाल लिया है, अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे बेसन को। कढ़ाई में सारे बेसन को डाल दिया है और बेसन को भूनते समय अपने गैस का फ्लेम लो रखेंगे। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए बेसन को भूनेंगे। बेसन थोड़ा भून चुका है, अब हम इसको थोड़ा एक साइड ऐसे करेंगे और इसमें डालेंगे लगभग 2 चम्मच और घी। यहाँ हम लड्डू देसी घी का बना रहे हैं, आप कोई भी घी या तेल जो भी चाहते हो डाल सकते हैं। अब हम इसमें डाल देंगे लगभग 100 ग्राम सूजी और सूजी को भी बेसन के साथ भुनेंगे। बेसन को लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लिया है, बेसन से खुशबू भी आने लगा है। अब हम इसको निकाल लेंगे एक बोल में और ठंडा होने देंगे। भुने हुए बेसन को एक बोल में लेकर ठंडा कर लिया है, अब हम इसमें डाल देंगे इलायची पाउडर, रोस्ट किया हुआ काजू और बादाम, और अब डाल देंगे चीनी का बूरा। अगर आपके पास चीनी का बूरा नहीं है तो चीनी को लीजिए और मिक्सी में पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए और उसको मिलाकर लड्डू बनाइए। तो अब हम इसमें डाल देंगे पिसी हुई चीनी और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब हम लड्डू बनाएंगे। लड्डू का साइज आप अपने इच्छा अनुसार रखिए। इसी तरीके से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। सारे लड्डू को बना लिया है और उसके ऊपर थोड़ा सा पिस्ता लगाकर डेकोरेट भी कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू बनकर तैयार है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करिए। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक बार ड्राई फ्रूट बेसन लड्डू आप भी इस तरह से बनाकर देखिए।